डाबड़ी थाना पुलिस ने नकली जज, पुलिसकर्मी और एनजीओ कार्यकर्ता बनकर बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उगाही करने वाले एक सेक्सटॉर्शन गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के सदस्य टिंडर ऐप के जरिए अपने टारगेट से संपर्क करते थे और उसे अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूल करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजौरी गार्डन निवासी गैंग की मास्टरमाइंड 42 वर्षीय सोनू सूरी, 40 वर्षीय शीतल अरोड़ा उर्फ पूजा, 33 वर्षीय रेवती देवी, 37 वर्षीय वैभव और 60 वर्षीय हरबिंदर सिंह उर्फ जज साहब के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 1,78,000 रुपए, 3 सोने की अंगूठी, 4 मोबाइल फोन, पुलिस फाइल, पुलिस की गाड़ियों पर लगने वाली लाइट, स्कूटी और एक कार बरामद हुए हैं। सभी आरोपी दिल्ली के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि दिनांक 23 अक्टूबर को थाना डाबरी में टिम्बर ट्रेडर्स के एक व्यवसायी रमेश तायल ने शिकायत दी कि कुछ लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि एक माह से उसके पास पूजा नाम की एक महिला का फोन आ रहा था। वो उसे प्लाईबोर्ड खरीदने के लिए बुला रही थी। 21 अक्टूबर को वे माता चानन देवी अस्पताल के पास थे तो पूजा का व्हाट्सएप कॉल आया। 5 मिनट बाद वो एक ई रिक्शा पर आई और उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गई। वहां उसने उसे पानी दिया और वो पानी पीने के बाद वो बेहोश हो गया। होश आया तो खुद को बिस्तर पर निर्वस्त्र पाया। कमरे में मौजूद 5-6 महिलाएं और 3 पुरुष उनकी पिटाई करने लगे। दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने की धमकी देकर उन्होंने कारोबारी से 15,700 रुपए, कलाई घड़ी, सोने की अंगूठी ले लिए। उन्होंने 7,00,000 रुपए मांगे और न देने पर दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराने और जान से मारने की धमकी दी। उनके चंगुल से किसी तरह छूटकर कारोबारी डाबरी थाने पहुंचा। डाबरी थाना पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर संख्या 916/21 आईपीसी की धारा 386, 506/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए एसीपी डाबरी की सुपरविजन व डाबरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एसआई लाल बहादुर, एसआई विकास, एएसआई सत्येंद्र, कांस्टेबल जगबीर, कांस्टेबल कृष्ण, कांस्टेबल देवकांत, कांस्टेबल मुनिराज, महिला कांस्टेबल निशा और लक्ष्मी की एक टीम बनाई गई। आरोपियों की सीडीआर जांच से पता चला कि सोनू सूरी नामक महिला गैंग की मास्टरमाइंड है। गैंग को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया गया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि गिरोह के सभी सदस्यों की भूमिका अलग अलग थी। सोनू टिंडर ऐप पर टारगेट के मोबाइल नंबर तलाशती थी। इन्हें वह शीतल अरोड़ा उर्फ पूजा को देती। वो दोस्ती करने के बाद टारगेट को बहला फुसलाकर रेवती के ठिकाने पर लेकर आती थी। एक आरोपी महिला टारगेट से संबंध बनाने की कोशिश करती थी। इसी बीच गैंग के अन्य सदस्य कमरे में आते थे। इसमें हरविंदर सिंह एक न्यायाधीश और कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाता था। सोनू सूरी एनजीओ संचालक की भूमिका में रहती थी। मुकेश और वैभव पड़ोसी और परिवार की भूमिका निभाते थे। फिर टारगेट को डरा धमका कर पैसा ऐंठते थे। पुलिस के मुताबिक घर से एक डायरी मिली है जिसमें 34 लोगों से उगाही की बात लिखी है। पुलिस को यह भी पता चला कि गैंग की मास्टरमाइंड सोनू सूरी को दुष्कर्म एक मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है। 19 महीने जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर आई है। रावती देवी और वैभव पति पत्नी है। फिलहाल यह मकान नंबर E33 जीवन पार्क में रहते हैं। इससे पहले यह पति पत्नी C46 भगवती पार्क उत्तम नगर में रहता था। गैंग में इनकी भूमिका काफी अहम है। टारगेट को फंसाने के लिए कमरे का जुगाड़ करना इनकी जिम्मेवारी थी। मकान नंबर 671, 4 स्टोरी, विशाल एनक्लेव, सेकंड फ्लोर, राजौरी गार्डन निवासी सोनू सूरी पुत्री केएल सूरी गैंग की मास्टरमाइंड है। इसने कॉरेस्पोंडेंस से बीए सेकंड ईयर तक पढ़ाई की हुई है। इसकी तितारपुर में 2 दुकानें हैं और 2 एनजीओ भी चलाती है। बलात्कार के एक मामले में इसको 7 साल की सजा हो चुकी है। 19 महीने जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर आई है। जेल से आने के बाद इसने कुछ लोगों को जोड़कर गैंग बनाया और हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे ठगने का धंधा कारण शुरू कर दिया। मकान नंबर 101, तोमर कॉलोनी, बुराड़ी निवासी शीतल अरोड़ा उर्फ पूजा टारगेट को अपनी बातों की जाल में फंसाकर स्पॉट पर लेकर आती थी। मकान नंबर E234, टैगोर गार्डन, सेंका फ्लो, निवासी हरबिंदर सिंह उर्फ जज साहब एक न्यायाधीश और कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाता था। पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। साथ ही गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में भी लग गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। ऑपरेशन वर्चस्व के तहत द्वारका जिला पुलिस ने हमेशा कोशिश की है कि स्ट्रीट क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स और आदरणीय कमिश्नर साहब ऐसा कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम ऑर्गेनाइज गैंग जो करता है, जिससे आम जनमानस बहुत भयभीत रहता है और उनमें डर पैदा होता है, उनको लूट लिया जाता है। तो हमारा फोकस अलग अलग चैनल्स पे है और उसी दिशा में एक थाना डाबरी में एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। हमने एक गैंग ऑफ सेक्सटॉर्निस्ट, जहां वो सेक्सुअल एक्ट को इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके फिर लोगों से पैसे वाही करते, ऐसे एक गैंग का खुलासा हुआ है। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।